the English class. In this class, we will learn spellings. Which letter? M. Letter M की spellings मैं आपको इस वीडियो में learn करवाऊंगी. तो M for क्या होता है बच्चों? M for होता है monkey. M for monkey. तो हम लोग monkey की spelling भी learn करेंगे और M for mango. मैं दो spellings learn करवाऊंगी आपको. M for monkey and M for mango. मंकी एंड मैंगो ये दो स्पेलिंग्स हम लोग लर्न करेंगे. तो चलिए हम लोग सबसे पहले कौन सी स्पेलिंग लर्न करेंगे? मंकी. देखिए एम ओ एन के ई वाई. एम ओ एन के ई वाई मंकी. मंकी की स्पेलिंग क्या होती है? एम ओ एन के ई वाई. एम ओ एन के ई वाई मंकी. देखिए बच्चों एक बार और देखिए. एम ओ एन के ई वाई. एम ओ एन के ई वाई मंकी. क्या लिखा है मैंने? एम ओ एन के ई वाई मंकी. आपको याद हो गया मंकी की स्पेलिंग? क्या है मंकी की स्पेलिंग? M-O-N-K-E-Y monkey. अब जो next spelling हम लोग लर्न करेंगे वो क्या है? M for mango. देखिए उसकी spelling बताती हूँ मैं आपको. M-A-N-G-O. M-A-N-G-O mango. Mango की क्या spelling है? M-A-N-G-O mango. Mango means क्या होता है? आम. Mango. M for mango. M-A-N-G-O. M-A-N-G-O mango. M for monkey. M for monkey आप सभी याद कर चुके हैं. M for monkey. क्या स्पेलिंग है monkey की? M-O-N K-E-Y monkey. फिर M for mango भी होता है, तो mango की क्या स्पेलिंग है? M-A-N-G-O mango. M-A-N-G-O mango. M for monkey and M for mango. Monkey की स्पेलिंग है M-O-N-K-E-Y और mango की M-A-N-G-O. आपको दोनों स्पेलिंग्स मैंने बैक बुक पर लर्न करवा दी है. आप इन्हें 10-10 टाइम रिवाइज कीजिए तो आपको ये स्पेलिंग्स याद हो जाएंगी. थैंक यू स्टूडेंट्स.